नमस्कार, आईसीटी मीडिया में आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हुए हैं सिंघाणा के अंदर, जो यहाँ पे पार्षद के चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर चार चरणों में चुनाव है। पहला चुनाव 23 को हो चुका है, दूसरा चुनाव जो 27 को है, और तीसरा चुनाव जो है 1 दिसंबर को, और चौथा जो चुनाव रहेगा वो 5 दिसंबर को रहेगा। तो उसी को लेकर के 1 दिसंबर को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, और हमारे साथ में निर्दलीय उम्मीदवार जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, साथ में सीनो देवी जी और ये उनके हस्बैंड हैं, और ये अपने पार्षद का जो चुनाव के लिए अभी सागा गांव है यहाँ पे, इसमें पहुँचे हुए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनका चुनाव चिन्ह है चारपाई, सिलाई मशीन इनका अपना जो प्रत्याशी का जो अपना चुनाव चिन्ह है। तो इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ना ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है। सर, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। सर, मेरा नाम किशोरीलाल गोठवाल है। मैं 23 साल से मेरे क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, कोई फोटोग्राफी के माध्यम से या कोई पार्लर हार की स्कीम के माध्यम से, पेंशन वर्धा पेंशन के माध्यम से, विकलांग पेंशन के माध्यम से, और जो गरीब लड़की की सहायता जो पैसे मिलते हैं सरकारी योजना, उनके माध्यम से मैं गांव की 23 साल से सेवा कर रहा हूँ। जब से 200 रुपये की पेंशन मिलती थी, जब से मैं सेवा कर रहा हूँ, और आर्थिक सहायता जो BPL विधवा महिलाओं के लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपये मिलते थे, तब से मैं सेवा कर रहा हूं। और इन मुद्दों को लेकर मैं इस गांव को से मैं अब विकास के लिए उनके वर्धा पेंशन या बढ़ाना या उनको बंद को चालू करवाना, इनके माध्यम से मैं उनके बीच जाकर वोट मांग रहा हूं, और इसी के आधार से मैं आगे मतलब इनकी सेवा करता रहूँगा और करता आया हूँ। और ये चुनाव तो आज हैं, कल नहीं है, फिर भी मैं इनकी सेवा जीऊँगा जब तक करता रहूँगा। और मेरा पुरानी सब्जी मंडी के अंदर विनय ई मित्र के नाम से और सोनू डिजिटल स्टूडियो के नाम से मेरी एक ऑफिस खोल रखा है, जो मैं इनका मेरे दिल से इनका मैं मेरे क्षेत्र की जनता का विकास करना चाहता हूं और करता रहूंगा। यही मेरा मेन मुद्दा है। सर, जैसे कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर आप कैसे? सर, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस से, और जुड़ा रहूंगा। मैं अन्य पार्टी भी मेरे पास आई कि यहाँ से टिकट ले लो, वो ले लो, मगर नहीं, मुझे चाहिए तो कांग्रेस की टिकट चाहिए। ठीक है, जो 40 साल से जो BJP में थी विनयश्री आर्य, जो एक दिन के लिए कांग्रेस में आके किसी भी प्रलोभन दे के या किसी भी राजनीतिक प्रभाव से वो टिकट ले आई, और अब वो हमारे आमने सामने है। मैं निर्दलीय हूँ, वो कांग्रेस से हैं, और ये जो टक्कर हमारी रहेगी तो इन्हीं के बीच रहेगी, मेरा जहाँ तक अनुमान है। जी जी हाँ। और तो जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी समय से कांग्रेस के साथ में हैं और टिकट आपको मिली नहीं है, और कांग्रेस को दूसरे कैंडिडेट को दे दी है कांग्रेस ने टिकट, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा और क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद में आप भी कह रहे हैं कि मैं जुड़ा भी रहूँगा, कांग्रेस से जुड़ा रहूँगा। हाँ, मैं अन्य मतलब पार्टी में नहीं जाना चाहूँगा, और हो सकता तो मैं जिंदगी भर कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करूँगा। मेरा जातक है और मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा, जब भी लड़ूंगा तो, और किसी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं जाऊँगा। खुद स्वयं चाल के आएगी पार्टी, और वो भी कांग्रेस ही, तो मैं ज़रूर उसको टिकट लेके उसके माध्यम से चुनाव लड़ूंगा। नहीं तो निर्दलीय लड़ूंगा तो जनता के बीच रह के लड़ूंगा, जनता को साथ लेके लड़ूंगा। इन्हें तो पार्टी के बेस पे लड़ूंगा और ने बड़े नेता के बेस पे लड़ूंगा। मैं अपनी प्यारी मेरे देश जो क्षेत्र की जनता है उनके बीच रह के उन्हीं को पार्टी मानकर उन्हीं की शक्ति के बल पर और उसी के योगदान के बल पे चुनाव लड़ूंगा। जी, ये वार्ड नंबर अपना पड़ता है सर 25 है, वार्ड नंबर 25 में। हाँ जी, जो पंचायत समिति जो जिला परिषद समिति है ये सिंघाणा से वार्ड नंबर 25 के आप उम्मीदवार हैं। 25 नंबर वार्ड में क्या कमी नज़र आ रही है कि आप उन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, यहाँ क्या कि सबसे बड़ी कमी है कि जनता से जुड़ के जो भी नेता है जीत के चला जाता है, और वो जनता से जुड़ के नहीं चलता है, और वो एक बार जीतता है दूसरी बार हार जाता है। जी, और मैं 3 बार अलग अलग वार्डों से पंच रहा हूँ, और मेरे खुद के वार्ड से मैंने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा, और इसीलिए मेरे को 3 बार जनता ने जिताया। जी जी,
और पिछली बार भी मैंने सरपंच का चुनाव, मेरी विशेष लेडी सीट थी तो उन्होंने लड़ा, और टक्कर में भी यही कैंडिडेट रहा बनेश्री आर्य, जो भारी पैसा खर्च करके मतलब मिस यूज किया, पैसे का भी मिस यूज किया, और बच्चों को बिगाड़ना या मतलब उन पैसों को सही जगह प्रयोग नहीं, इतना पैसा खराब कर रहा है तो कोई गरीब बच्ची की शादी में देते या उनमें खड़े होके उनकी मेल करते या उनका भोजन की व्यवस्था करते तो शायद ये कैंडिडेट आज इस मोड़ पे इतना पैसा खर्च नहीं करता, शायद ये घर बैठे जीत जाता। मगर इन्होंने तो बस क्या है कि धन के बल पर इधर उधर पैसे खर्च कर अन्यथा मतलब वेस्टेज पैसा खर्च करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनकी मिसे पुत्रवधू है, वो सरकारी कर्मचारी है और वो भी इनके सपोर्ट कर रही है, और इनका पुत्र है वो भी सरकारी कर्मचारी है, जो राजेश राणा पोस्टर में लिखा हुआ है नीचे वो भी इनकी सपोर्ट कर रहा है। और नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी कोई भी कैंडिडेट की मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी इन आसपास के ज़िलों से ड्यूटी हटा के कोई अन्य ज़िले में चुनाव जब तक ना हो तो इनकी ड्यूटी दूसरी ज़िले में लगाई जाए तुरंत प्रभाव से। तो क्या ये आपने देखा है कि भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं सुबह शाम जब? हाँ सर, मैंने देखा है, मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करने की बहुत कोशिश की है, और ये क्या करते हैं टोपा पहन लेते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी थोड़ी दूर रहती है, और आप ये देख लीजिए ना इनका नाम है राजेश राणा पोस्टर के अंदर। अच्छा, ये किस तरह की ड्यूटी करते हैं, क्या ड्यूटी है? सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग में हैं। अच्छा, इनकी जो माताजी है वो रिटायर है शिक्षा विभाग से, कॉलेज रिटायर हैं, और ये शिक्षा विभाग में, और राजेश राणा की मिसेज है वो भी टीचर है, प्रभावशाली परिवार है। मैं एक मध्य वर्ग गरीब परिवार से हूँ और मेरे पोस्टर भी जलाए जा रहे हैं। अब ये मैं इनके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा कि मेरे पोस्टर कौन जला रहा है, कौन दीवार से उतार रहा है, ये 5-7 दिन से इनके पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने तो रात को ही लगाना शुरू किया, आज मैंने आके देखा सागा गांव में तो जलाए हुए पोस्टर मिले और ज़मीन पर उतारे हुए पाड़े हुए पोस्टर मिले, और किसी अन्य पार्टी का किसी का भी पोस्टर छेड़ा हुआ नहीं मिला। अच्छा। और मेरे पोस्टर पे पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, मैं पोस्ट के नीचे मेरा पोस्टर दबा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ। अब किसने लगाया किसने नहीं लगाया मैं उनका जाति या वैसे नाम लगा नहीं सकता। हाँ, सही बात है। बाकी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों के ने ऐसा काम किया है। अच्छा, जो अच्छा। समाज के लिए या चुनाव प्रत्याशियों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, ये बात तो सही कहा है सर। ये तो थी बिल्कुल जैसे कि आपके विपरीत सामने वाले की जो बात बताई है, लेकिन जनता, मेरा कहने का मतलब कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के किन कारणों के लिए, जनता को क्या देना चाह रहे हैं आप, क्या कमी दिखाई दे रही है क्षेत्र के अंदर, वो मेन बताइएगी सर। क्षेत्र के अंदर कमियाँ तो मेन है कि पानी की कुछ जगह मैंने गया तो रोड की कमियाँ बताई, कोई ज़्यादातर पानी की कमियाँ बताई। पानी की समस्या, पेयजल की समस्या की टंकी बनी हुई है पर लाइन नहीं बिछा रखी है उनके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनके लिए लाइन नहीं बिछा रखी, तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि भाई मेरा इतना तो नहीं है फिलहाल मेरे को जोगाड़ ऐसा, और चुनाव से पहले मैं कर भी नहीं सकता, पर जो बजट आएगा वो जनता के बीच में लगेगा। आप कभी पता लेना कि भी आज इनके पास बजट आ गया है जिला परिषद के पास या जिला प्रमुख के पास, और जो मेरे हिस्से का या मेरे क्षेत्र का हिस्से का मिलेगा, तो मैंने मेरी डायरी में नोट कर लिया कि कहाँ कहाँ की उन्होंने मेरे को ये कमियाँ दिखाई दी, पानी की, जल की, या कोई सीसी सड़क की, या कोई गंदगी की, नाले की, या सोखते हुए खड्डे की, जो मैंने उनको नोट कर रखा है। जब भी बजट मिलेगा तो मैं तुरंत प्रभाव से मैं मेरे क्षेत्र में लगाने की पूरा प्रयास करूंगा। जी ऐसा नहीं है जीतने के बाद में आप जैसे कि गायब ही हो जाएं? नहीं सर, मैं गायब होता तो 23 साल से मैं अपने शॉप पे काम कर रहा हूँ। जाए मेरे से उन शॉप का किराए की दुकान है तो उसका किराया शायद दिया नहीं जाता, मैं 5-5 महीने नहीं देता, पर मालिक मेरा अच्छा है कि वो कि मेरे को दबाव नहीं बनाता कभी भी, और मैं इस जनता की सेवा के लिए ही उस शॉप पे बैठा हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, झुंझुनू ज़िले में एक जैन डॉक्टर होया करता था, वो गरीबों का मेसिया, जो सबसे सस्ती रेट थी उसकी हर चीज़ की, ऑपरेशन की, दवाई की, सबकी। इसीलिए मेरी भी यही है कि जो जाति मूल आए
वगैरह जो बनाते हैं या फोटो बनाते हैं, फोटो मेरी फ्री है जी। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ोटो फ्री हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और जाति मूल जो भी हैं वो सरकारी रेट पे मैं दे रहा हूँ, और आगे भी मैं जीत गया तो उनको सरकारी रेट में देता रहूँगा, चाहे लोग और 150 रुपये लो, चाहे 100 रुपये लो, चाहे 200 लो, पर मेरा जो है रेट वो सरकारी रेट होगा, और उसके साथ में प्लस में फ़ोटो फ्री है। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया है अपने बारे में भी, और सामने वाले ने जो आपके साथ में किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं भी चाहूँगा कि सर जो भी आपके जो मुद्दे हैं, जो आप चुनावी मुद्दे लेकर के चल रहे हैं, वो चुनावी मुद्दों के अंदर अगर जैसे कि आपकी जीत हो जाती है, जनता आपके साथ देती है, तो आप उन मुद्दों को आप खरा उतरे और वो आगे बढ़े और आप कंटिन्यू जनता की सेवा इसी तरह से करते रहे। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, जय हिंद जय हिंद जय भारत, थैंक यू।